Hey guys, welcome back to our another video. बहुत दिनों बाद मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ. ब्लॉग क्या, मैं एक्सेंचर के बारे में बात करने वाला हूँ. जॉब सिक्योरिटी के बारे में, ज्वाइन करते हो ले ऑफ क्या है, होने वाला है वहाँ पे, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो दिमाग में यही चीजें बहुत आती है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, ले ऑफ वगैरह कैसे हो रहे हैं. तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. एक्सेंचर के बारे में बताता हूँ भाई क्या चीज चल रही है और क्या नहीं चीज चल रही. बट आपको मैं पहले बैंगलोर का वेदर बता देता हूँ, बैंगलोर का वेदर कैसा हो रहा है. तो सी फिलहाल तो धूप है इस समय और ठंडी नहीं है इधर भाई बैंगलोर में. जो लोग नॉर्थ साइड से बिलोंग करते होंगे उधर, उन्हें पता चल रहा होगा ठंडी बहुत ज़्यादा है. बट इधर कोई ठंडी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धूप है और सही हवा आ रही है. तो भाई आपने बैंगलोर का वेदर तो देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कैसा भाई बैंगलोर का वेदर है. चलो अब बात करते हैं एक्सेंचर के बारे में. तो यार जब ज्वाइन करते हो ना, सबके डाउट्स रहते हैं यार मन में कि यार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक कंपनी एंड वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस क्या होने वाला है, जॉब सिक्योरिटी क्या होने वाली है आपकी और आपका ले ऑफ का सिनेरियो क्या है. वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं यार, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि यार आपके इस प्रोजेक्ट में वर्क लाइफ बैलेंस है, दूसरे वाले में नहीं होगा. एक्सेंचर की बात करूँ, जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा प्रोजेक्ट सही था, मतलब मेरे में इतना हैक्टिक नहीं था. मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एक्सेंचर में काम करते हैं, कहते हैं यार मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, मेरे कंपनी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम निकलवा रहे हैं वो लोग. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्सेंचर इसी रीज़न की वजह से छोड़ा है कि बहुत ज़्यादा काम है. तो यार ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है. इस पर एक ऐसा नहीं है कि कंपनी पर डिपेंड करता हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम है तो करना पड़ेगा. कंपनी वाइज अगर हम इसे डिफाइन करें कि यार नई कंपनी ऐसी एक्सेंचर है, उसके वजह से तो हम कंपनी को टैग कर दें कि यार नई कंपनी ज्वाइन मत करो एक्सेंचर, क्योंकि वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं. तो ऐसा नहीं है यार, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट में अगर होता है तो आपको करना पड़ेगा काम, अगर नहीं होता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी आपके मैनेजर पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपके मैनेजर अच्छे हैं तो भाई आपसे बोल देंगे यार इतना काम मत कर, ठीक है कल कर लियो और आज इतना ही काफ़ी है, इतने दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, 6 बजे के बाद पिंग नहीं करेंगे अगर आप जनरल शिफ्ट हो. नहीं तो इश्यूज आते हैं कि अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो है ना, और आपको ना वो वाला शिफ्टिंग वाली जॉब है, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हो, आफ्टरनून शिफ्ट कर रहे हो एंड नाइट शिफ्ट कर रहे हो, फिर वहाँ प्रॉब्लम बहुत आने वाली है आपको. वहाँ पे यार काम भी होगा तो तुम्हारी हालत खराब. अगर ज़्यादा काम निकला है तो नाइट शिफ्ट तुम्हारे लिए सबसे बेकार शिफ्ट होने वाली है. कुछ कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस वगैरह, एक्सेंचर, वहाँ पे आपको पे भी मिलता है, नाइट शिफ्ट का अलाउंसेस मिलते हैं, बट TCS वगैरह कंपनी में नहीं मिलता है. तो एक्सेंचर अच्छी कंपनी, एक्सेंचर में आपको पे मिल जाएगा अच्छा खासा. बट हाँ, वो आपके मैनेजर पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका मैनेजर अच्छा है तो ठीक है, तो तुम बच जाओगे बहुत सारी चीज़ों से. अगर आपका मैनेजर अच्छा नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों से नहीं बच पाओगे, वहाँ प्रॉब्लम आएगी एंड वर्क लाइफ बैलेंस पर ऐसा ही होता है. और नॉट ओनली एक्सेंचर, सारी कंपनीज का यही है कि ऐसा हम टारगेट नहीं कर सकते किसी कंपनी को कि नहीं यार यहाँ पे ना वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली, किसी कंपनी को हम टारगेट नहीं कर सकते इसके बेसिस पे. तो एंड अगर हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी का, तो वही एक है कि यार देखो जॉब सिक्योरिटी का हर कंपनी का ऐसा है, नॉट ओनली एक कंपनी. मैं अगर एक्सेंचर की बात करूँ तो मैंने फिर भी मुझे लगा कि एक्सेंचर में फिर भी ठीक है. अदर कंपनीज के जैसे नॉट ओनली एक्सेंचर, जितनी भी सर्विसेज कंपनी है वहाँ ठीक है, क्योंकि यार रीजन क्या होता है वहाँ का, तुम देखो कि सर्विसेज कंपनी पैसा कितना मिलता है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पैसा कितना मिलता है. किसी बंदे का 30 लाख का 35 लाख का पैकेज हुआ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और सर्विस बेस्ड कंपनी आपको पता ही है 4 लाख का 4.5 लाख का पैकेज होता है. डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सर्विस बेस्ड कंपनियाँ 6 से 7 बंदे मतलब हायर हो जाएंगे उस पैकेज पे. अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हायर बच्चे भी फायर करेगी तो सर्विस बेस्ड कंपनी को 6-7 हजार बच्चे फायर करने पड़ेंगे उसके बेसिस पे, राइट. अब भाई इतना नंबर जब तुम मार्केट में निकालोगे ना तो कंपनी की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी कि भाई ये फायर करती है कंपनी, इसमें किसी को जाना नहीं चाहिए, तो भाई कंपनी का भी लॉस है. तो मैं क्या लगता है भाई कंपनी में बंदे नहीं गए तो कंपनी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि अब तुम बोल दो कि एक्सेंचर निकाल दे PCR लो, फिर तुम कहोगे नहीं यार मैं एक्सेंचर ज्वाइन नहीं करूंगा, और एक्सेंचर को रिक्वायरमेंट है, किसी प्रोजेक्ट आ गया और एक्सेंचर को रिक्वायरमेंट है कि भाई यार इतने बंदे चाहिए और बंदों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि रीजन वही कि यार ये कंपनी फायर कर देती है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे एक्सेंचर, तो इसमें कंपनी का लॉस हुआ या नहीं हुआ, हुआ डेफिनेटली. तो सर्विस बेस्ड कंपनी फिर भी ये होता है कि तुम्हारी फायरिंग थोड़ी कम होती है, मतलब जॉब सिक्योरिटी की बात करें ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट से निकालेंगे तो दूसरा प्रोजेक्ट निकल जाएगा. बट उसमें क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तुम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो एंड उसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो कंपनी क्या होगा, तुम फालतू की बिलिंग कराओगे कंपनी की, बिलिंग क्या कंपनी को खुद से पे करना पड़ेगा उसका अमाउंट. तो वहाँ पे फिर बोलते हैं कि भाई इस बंदे को निकाल दो, रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर लगेगी तो दोबारा से हायर कर लेंगे. उनका 1 मंथ का रहता है, ऐसा नहीं कि 3 मंथ का रहा तो 3 मंथ का पे करना पड़ेगा, 1 मंथ का होगा आपको निकल जाओगे आप, पर यह रहता है. तो इसलिए बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी है, एक्सेंचर है, TCS है, और आपने देखा भी होगा इस समय फायरिंग कम हो रही है, मतलब अगर फायरिंग हो भी रही है तो उन लोगों की फ्रेशर्स की जो जिनके यार एग्जाम से नंबर कम आ रहे हैं या फिर जो
क्लियर नहीं कर पा रहे, जो उनके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे, उन लोगों की हो रही है, या फिर बैकग्राउंड में फेल हो रहे हैं, या फिर तुमने कंपनियों को घपला कर दिया है, तो उन लोगों की फायरिंग हो रही है, और जो कि पहले से भी होती थी, बट इस समय थोड़ा सा उस चीजों को और ज्यादा देख रहे हैं, पहले इतना इग्नोर कर देते थे, बट अभी और ज्यादा देख रहे हैं कि अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर आपको निकाल देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने, आपके पास एक्सेंचर का लैपटॉप है एंड आपने एक्सेंचर के लैपटॉप में कोई फाइल अपनी अपनी ईमेल आईडी पे भेज दी, तो उस पे भाई टीम बैठ जाएगी एंड आपसे पूछेगी भाई तुमने ये फाइल क्यों भेजी अपने पास, इसमें एक्सेंचर का डेटा है, तो फिर उनको एक बहाना चाहिए निकालने के लिए, उन्हें लगा कि ये बंदा कुछ नहीं कर रहा बेंच पे है, तो तुरंत बहाना क्या मिल गया उन्हें, बहाना कि कुछ नहीं कर रहा बेंच पे है, निकाल दो भाई। क्यों निकाल दो? क्योंकि इनको रीजन है देने के लिए कि एक रीजन ये वाला था जो हमारे रूल्स में था कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे, तो ये चीजें होती हैं। बाकी बात आती है लेऑफ की, तो फिलहाल तो एक्सेंचर में ऐसा कुछ चल नहीं रहा और मैंने कुछ सुना भी नहीं अभी, तो अगर तुम्हारे पास ऑफर लेटर है एक्सेंचर का तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से ज्वाइन करो। पे की बात करूँ तो एक्सेंचर अच्छा खासा पे करती है एज कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनीज, मैंने एक्सेंचर के ऊपर काफी वीडियोस बना रखी हैं, आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो, अच्छा खासा पे करती है एज कम्पेयर टू अदर, जैसे इन्फोसिस की बात करूँ, टीसीएस की बात करूँ, तो हाँ ये। और एक और चीज, अगर आपके दो तीन ऑफर लेटर आप बोलते भैया क्या करें, टीसीएस का है और इन्फोसिस का, एक्सेंचर का है, तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि एक्सेंचर अच्छा पे करती है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस, तो इसका रीजन ये होगा जिसका पहला ऑफर लेटर आ जाए वहाँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें वैसे भी ऑफर लेटर की मारामारी चल रही है यार, मतलब आ नहीं रहे, कंपनी रिलीज नहीं कर रही, जिसका रिलीज हो रहा है तो भाई ज्वाइन कर लो, तुम वेट कर रहे हो एक्सेंचर का, लगा कि तुम्हारा इन्फोसिस का भी निकल गया और टीसीएस का भी निकल गया, तो ये चीज़ है। तो जिसका पहले ऑफर लेटर आया आ जाए ज्वाइन कर लो, एक्सेंचर अच्छी कंपनी है, अगर तुम्हें मौका मिलता है कभी ज्वाइन करने का तो ज्वाइन कर सकते हो, मतलब तभी ज्वाइन करना जब ऑफर लेटर आ जाए, अगर ऑफर लेटर नहीं आया सिलेक्शन हो गया तो वेट मत करना कि ऑफर लेटर आएगा तभी ज्वाइन करूंगा और बाकी दो कंपनी बाहर हो जाए, नहीं भाई ज्वाइन कर लो जो भी कंपनी मिल रही है, बट हाँ अगर आपके ऑफर लेटर है तो एक्सेंचर ज्वाइन कर सकते हो। भाई गाइस इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, मतलब ब्लॉग नहीं है ये मेरा ब्लॉग नहीं है, अगर आपको फ्लैट वगैरह देखना तो मैंने स्क्रीन पर वीडियो बना रखी है फ्लैट के ऊपर, फ्लैट हंटिंग के ऊपर बैंगलोर के ऊपर, तो वो ब्लॉग आप चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इस टाइप की ऐसी वीडियो बनाना, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही वीडियोज बनाया करूँ इन्फॉर्मेटिव वाली, तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, मुझे कॉमेंट कर देना हाँ भैया ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे बात करते हो आप नॉर्मली लगता है, तो हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, और नॉर्मल एक जगह बैठ के बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं हम बात बैठ के भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो, आपको कैसे अच्छा लगता है, कैसे मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हाँ एक और चीज़ है, मैं टॉप मेट पे हूँ और जिनको कनेक्ट करना है कर सकते हो, क्योंकि देखो उसका रीजन होता था क्यों, बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, मैं मैसेज के थ्रू सारे क्लियर नहीं कर सकता, तो टॉप मेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अगर आपको 30 मिनट्स ले रहा हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आपके कोई डाउट्स होंगे तो मैं बता दूंगा, अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं तो ठीक है हाँ मैं लिंक्डइन के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन आपके लगता है कि मुझे सेल्स और सीखना है क्या चीज़ें करनी चाहिए तो मैसेज के थ्रू पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है एक चीज़ बता के मैं छोड़ दूँ, फिर तो मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो में देख लो नहीं हो रहे ना डाउट क्लियर ना वीडियो से, तो तुम्हें लग रहा है जो वीडियो 5 या 6 मिनट की मैं वो आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रही, तो मैसेज के थ्रू आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, नहीं होंगे, इसीलिए मैं टॉपमेट लाया एंड टॉपमेट में बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं, आप रिव्यू देख सकते हो, और मेरी जिन लोगों से बात हुई उनका यही था कि भैया आप टॉपमेट पर आके बहुत अच्छा किया, हमें बहुत हेल्प मिल रही है, तो ये चीज है। बाकी कर लेना आप जो तुम्हें लगे सजेशन, और बाकी तुम इस कॉमेंट में कर देना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।